हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सम्राट सिंह और मैं अपने छोटे भाई सिद्धार्थ सिंह के साथ पिछले 5 सालों से आईटी डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग का एक कंपनी रन कर रहा हूं। और इस पूरे 5 साल के दौरान में इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशंस और हमने जो मार्केट से सीखा, समझा, देखा और उसको इम्प्लीमेंट किया, और उस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से सिर्फ इंडिया में नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी हम लोगों ने अपनी अच्छे नाम को मेंटेन रखा। मेरे दोस्त, यहाँ पर इस पूरे 5 साल की जर्नी के अंदर में जो सबसे खूबसूरत चीज है जो मैं आज भी सीखने में लगा हूं अपने भाई के साथ में, और वो है टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, जिसमें से कि वन ऑफ द कस्टमर जो है वो आज भी हम शायद उसको सीखने और समझने में लगे हैं। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर आप अपनी खुद की कोई आईटी कंपनी रन कर रहे हैं, अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन कर रहे हैं, तो क्या आप लोग की भी मुलाकात इस टाइप के कस्टमर से कभी हुई है? और मैं 100% श्योर हूं कि खास करके वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग और आईटी कंपनी रन करते हैं, उनकी ऐसे कस्टमर्स के साथ में जरूर मुलाकात होती रहती है और वो हमेशा कहीं ना कहीं पर आपसे किसी ना किसी रूप में आपसे टकराव उनका होता रहा होगा। सो आइए मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत बड़ी खूबसूरत वीडियो के साथ में इस एक्सपीरियंस को आपके साथ कनेक्ट करता हूं, जो अनुभव आप और हम एज अ डिजिटल मार्केटिंग ओनर, एज अ आईटी कंपनी ओनर, हम लोग इसको जरूर कहीं ना कहीं पर अनुभव करते होंगे। तो चलिए देखते हैं एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी एक वीडियो और उसके बाद हम लोग दोबारा इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। लड्डू ताजे खा? अभी बना के रखे हैं, जरा चखा ना। क्यों खा? दूध के साथ खाऊं या पानी के साथ? समझा, बात है खा लड्डू में, एक 2 किलो दे देना। गोवर्धन भाई, भाई के लिए 2 किलो लड्डू बांध दो। अरे वाह, क्या मावा है। ठहरो ठहरो ठहरो, ऐसा करो लड्डू कैंसिल कर दो और लड्डू के बदले 2 किलो बर्फी दे दो। ये बहुत अच्छी है। अरे ठहरना ठहरना ठहरना, पेड़े तो एकदम ताजा आ गए। आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी, बर्फी कैंसिल करके बर्फी के बदले 2 किलो पेड़े। आखिर क्या तमाशा है? तमाशा कुछ नहीं, खाली बर्फी के बदले पेड़े। थैंक यू। हाँ, अरे वाह, क्या प्योर घी की खुशबू है, काहे की जलेबी की है। अरे वाह, ठहरिए 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 ठहरिए, पेड़ कैंसिल कर दीजिए और पेड़ के बदले 2 किलो गरम गरम जलेबी। क्या गरम है, आ जल्दी जल्दी जल्दी। आ, बहुत गरम है। जीजे साहब, आपकी जलेबी। ए भाई, जलेबी के पैसे दे के जाओ। पैसे? मगर जलेबी तो पेड़ के बदले लिए। तो पेड़े के पैसे दे के जाओ। अरे वाह, कमाल करते हो। पेड़े तो बर्फी के बदले लिए। तो बर्फी के पैसे निकालो। ओ, बर्फी के पैसे निकालो, बर्फी तो लड्डू के बदले लिए। हाँ, तो लाओ लड्डू के पैसे। अरे वाह, बहुत अच्छे, जो चीज ली ली उसके पैसे कैसे? लड्डू नहीं लिए। जी नहीं, पूछ लो। क्यों गोवर्धन भाई, लड्डू नहीं दिए? नहीं दादाजी, जलेबी के बदले बर्फी, बर्फी के बदले पेड़े, पेड़े के बदले लड्डू, लड्डू तो लिए ही नहीं, लेकिन ये तो कुछ गया है। ए भाई। तो मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसे कस्टमर आपके पास आज भी आते होंगे और आपका उन लोगों से एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक, और कुछ लोग तो होंगे जो शायद डेली बेस पे ऐसे लोगों को जरूर कहीं ना कहीं मिलते रहोगे, उनके प्रोजेक्ट्स को जिस तरह से आप लोग हैंडल कर रहे होंगे। और ये चीज का क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग ओनर, आप एज अ आईटी ओनर, प्लीज कमेंट करें, प्लीज सजेस्ट करें कि आप जब एक ऐसे कस्टमर जो आने के बाद में आपके साथ में एक XYZ एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात तो करता है, लेकिन उसके अंदर में जो फीचर्स आपने पहले से दिए हुए हैं उसको बार बार ऑल्टर, बार बार ऑल्टर, बार बार ऑल्टर करने के बाद भी, एट द एंड इतने सारे ऑल्टरेशन होने के बाद भी, इतने सारे न्यू रिकॉर्डिंग्स करने के बाद भी, इतने सारे न्यू डिजाइनिंग्स करने के बाद भी, उसके बाद जब उसका लास्ट स्टेटमेंट ये होता है, आखिर किया तो आपने सिर्फ इतना सा ही था ना,
तो इसका पैसा ही कितना हुआ, राइट? सो क्या आप लोग भी इस सिचुएशन के थ्रू जाते हैं? तो प्लीज सजेस्ट करें, प्लीज कमेंट करें, प्लीज हमें आप जरूर बताएं, सो दैट आपके एक्सपीरियंस और अनुभव के हिसाब से हम लोग भी इस कस्टमर के साथ प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग करना स्टार्ट करें. यस, हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि कस्टमर ही हमारी रोजी रोटी है, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सजेस्ट अस हाउ टू टैकल विद सच काइंड ऑफ अमेजिंग कस्टमर्स यू डू हैव, राइट? थैंक यू, स्टे ट्यून्ड. ओके, बाय बाय.